मेट्रो ने जब ये टनल यहाँ से निकालना था तो लोगों के घर घर जाकर ये अपील की और आश्वासन दिया कि ये शासन का प्रोजेक्ट है। इनका क्या हुआ, कहाँ बसे वो लोग कैसे रहते थे? इसके अलावा जो मकान जर्जर है, जो जो मतलब जो दरार बीच में है, गिर जाएंगे, आज गिरेंगे नहीं तो कल गिरेंगे। कानपुर में मेट्रो बनने के कारण लोगों के घरों के मकानों में दरारें आ रही हैं। लोगों का कहना है कि मेट्रो अधिकारियों से कहने के बाद भी वह कोई सुनवाई नहीं करते। इसी को लेकर शनिवार को हरवंश मोहाल थाना अंतर्गत वार्ड नंबर 96 में मेट्रो के कार्य के चलते मकानों में दरारें आ गई, जिसको लेकर क्षेत्रीय लोग और क्षेत्रीय पार्षद रजत कौशिक वाजपेयी व आर्यनगर विधानसभा से सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने धरना प्रदर्शन किया। जानकारी पाकर एसीपी कलेक्टरगंज मोहम्मद मोहसिन खान के साथ हरवंश मोहाल थाना की पुलिस भी पहुंची। इस दौरान उन्होंने एसीपी कलेक्टरगंज को ज्ञापन सौंप कर अपनी मांगे रखी। इसके लिए आज हमारे विधायक और पार्षद अपने साथियों के साथ यहाँ बैठे हैं। हम तो अपने विधायक जी से और पार्षद होगा तब तक ना हम आपको कुछ करने देंगे और ना ही आपको आगे बढ़ने देंगे जब तक उनका जनता के हित का जो जनता का नुकसान पर नुकसान है जब तक आप प्रबंध नहीं कर दो। यहाँ वो सहमत व्यक्त करते हैं कि आपके साथ मेट्रो प्रोजेक्ट के अधिकारी जहाँ बैठते हैं, जहाँ उनका मुख्यालय है यहाँ पर बना रखा है, अंदर सीमेंट भर गई, मेट्रो की सीमेंट भरी और हटाने वाला कोई है नहीं। सड़कें तोड़ दी है, मकान टूट गए हैं, ये तो दिख रहे हैं टूट गए। इनका क्या हुआ, कहां बसे वो लोग जैसे रहते थे? इसके अलावा जो मकान जर्जर है, जो जो मतलब जो दरार बीच में है, गिर जाएंगे, आज गिरेंगे नहीं तो कल गिरेंगे। आज गिरते फिर भी ठीक था, जान बच जाती, कल गिरे तो जाने भी जाए। शासन ने शिकायत करी, शासन से कमेटी बनी, डीएम ने कमेटी बना के यहाँ भेजा, जांच की, इंजीनियर्स आए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, साथ में एडीएम एफआर आए, वो रिपोर्ट कहां गई पता नहीं चला। और मौके की स्थिति यह है कि आज मेट्रो जो है हमारे क्षेत्र पीने के हाल देख ही रहे आप लोग, मौके की स्थिति है, इसलिए मौके बुलाया है और ये आखिरी बार मौके बुलाया है क्योंकि टर्मिनल यूएनडीएल में आज सैकड़ों मकानों में दरारें आ गई जिसकी शिकायत पीड़ित परिवारों द्वारा लगातार अधिकारियों से की जा रही थी, जिस कारण हरवंश मोहाल में स्थित दो मकान 14/8/2024 को मकान नंबर 62/75 DL60 सामने बताइए हो गया उसके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचा दिया जाएगा और जो आपकी समस्याएं परेशानियां ऊपर अवगत जरूर करा दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेट्रो मांगे बलिदान का बैनर लगा धरने पर बैठे लोग। शनिवार को सैकड़ों लोग धरने पर बैठ गए। लोगों का कहना है कि मेट्रो की वजह से हरवंश मोहाल खंडहर मोहाल बन गया है। मिसेस नीता 62/74/73 का मतलब तो समस्या क्या है, पूरे एरिया में जब से ये वापसी वाली लाइन की आई मेट्रो की और उसकी वजह से पूरे मकान डैमेज हुए थे और डैमेज होने के पहले उन लोगों ने कोई भी ना उन लोगों को खबर दी ना कोई सूचना दी और उसके अलावा ना ही सूचना दी क्योंकि जब उन लोगों को डैमेज हुआ पूरा मकान सब झुक गए मकान, हम लोगों ने हंगामा मचाया तो कहने लगे कि क्या हुआ, उन्होंने तमाम जांचे आचे करवाई कोई रिपोर्ट, अभी प्रेजेंट टाइम सारे मकान झुक रहे हैं और इन्होंने जो जांच कराई थी उसकी कोई रिपोर्ट अभी तक हम लोगों के नॉलेज में नहीं आई है और बस आके बस बात सुनते हो कोई रिएक्शन कोई एक्शन ना पानी ना फीवर और ना ही मकान ऊंचा वही फर्स्ट में जब उस समय जब मकान गिराते ये दोनों तब आए थे। वहीं विधायक अमिताभ वाजपेयी ने विरोध जताते हुए कहा कि पीड़ित परिवारों की तहरीर पर मेट्रो के खिलाफ मुकदमा लिखा जाए। ये मेट्रो की तानाशाही है कि मकानों में दरारें आने और गिरने के बाद भी पीड़ितों की कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। विधायक अमिताभ वाजपेयी ने कहा कि अगर मेट्रो ने मकानों के बचाव में काम नहीं किया तो अगला प्रदर्शन मेट्रो मुख्यालय के बाहर होगा। परेशान हैं, यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, इसके विषय में क्या करना है? ये हम लोग लंबे समय से सरकार का, प्रशासन का और मेट्रो के अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। आप यहाँ खड़े हैं देखिए, यहाँ पे पूरे मकान जमींदोज हो चुके हैं,
सैकड़ों की संख्या मकान उसकी जद में है। आज गिरेंगे या कल गिरेंगे, किसी होने वाली बरसात में गिरेंगे, भूकंप के हल्के से झटके में गिर जाएंगे। और अभी प्रभु कृपा से जान की हानि नहीं हुई, माल की हानि हुई है, और कोई दिन होगा जब जान की भी हानि होगी। हम लोग कर्तव्य है कि हम लोग सरकार का और प्रशासन का ध्यान आकर्षित करें। हम लोगों ने लगातार कहा है, पहले भी कहा इन मकानों गिरने के पहले भी उन्होंने अनेक बार कहा, एक कोई ध्यान नहीं दिया कि मेट्रो अपनी मदमस चाल से चलता है। मेट्रो के अधिकारी अपने को ईश्वर से ऊपर समझते हैं, वो कोई बात की जनता सुनते नहीं है। क्षेत्रीय पार्षद, हम सब लोग, जनता जो पीड़ित है, वो लोग जाते हैं तो उनकी बात सुनते नहीं, बल्कि सरकारी काम में बाधा पहुंचा रहे हो, मुकदमा लिखा देंगे कह के धमका के भगा देते थे। जब ये मकान जमींदोज हो गए तो हम लोगों ने मुआयना किया, अधिकारी आया, मेट्रो सारे अधिकारी आए, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं। आज मकान नहीं बन रहा है, हमारे क्षेत्र की सीवर लाइनें चौक पड़ी, पाइप लाइनें चौक पड़ी हैं, पीने के पानी की दिक्कत हो रखी, लेकिन मेट्रो कोई ध्यान नहीं दे रहा। हमने शासन में शिकायत करी, शासन से कमेटी बनी जिलाधिकारी की अध्यक्षता में, यहाँ पर आई कमेटी, अधिकारियों ने, इंजीनियरों ने और मजिस्ट्रेट ने जांच करी, पर उसकी कोई रिपोर्ट आता सामने नहीं आई। कोई राहत मिलती महीनों के प्रयास के बाद भी दिखाई नहीं पड़ रही। लोग सड़क पर हैं और बहुत सारे लोग आशंकाओं में जी रहे हैं, रोज जी मर रहे हैं, उनको लग नहीं रहा मेरा मकान कब गिर जाएगा, उनको पता नहीं है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसलिए हमारे पार्षद रजत वाजपेयी और सभी साथियों के द्वारा आज धरने का आयोजन मौका पे किया गया, जहां से आप लोग भी देख सकते हैं कि घटना की स्थिति कितनी भयावह है और क्षेत्र की स्थिति कितनी खराब है। आप यहाँ क्षेत्र की जनता की आवाज विधानसभा में आगे उठाने के काम करेंगे, किस तरीके से? हम लोग उठा ही रहे, मैं शासन में गया था, मैं प्रमुख सचिव से मिला था, प्रमुख सचिव ने ध्यान दिया, उन्होंने कमेटी बनाई, डीएम के कमेटी बनी, एडीएम एफआर आए थे और पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर थे, केडीए के इंजीनियर सब आए, उसकी रिपोर्ट क्या हुआ पता नहीं चला। मेट्रो यहाँ तामाशाही जारी रखे है, यहाँ मौके पर सीवर लाइन में भी परसों लगी बाजार में खड़ा था, पूरी सीवर लाइनें चौक है, मेट्रो के सीमेंट भरी है उसके अंदर, बताइए क्या करूँ, पाइप लाइनें चौक है, मेट्रो सीमेंट की वजह से नहीं हो रहा, मैं क्या करूँ। तो हम लोगों ने आज ही होकर धरने का आयोजन किया, शायद आप लोगों के माध्यम से, एलआईयू के माध्यम से प्रशासन शासन तक हम लोग आवाज पहुंचे और शासन बेहतर निर्णय ले, नहीं तो हम लोग आगे की अपनी योजना बनाकर आंदोलन को आगे लेकर जाएंगे। उधर क्षेत्रीय पार्षद रजत वाजपेयी ने बताया कि मेट्रो ने इस इलाके के नीचे से टनल खुदाई का काम किया, जिसके बाद से ही यहां पुराने बने मकानों में दरारें आना शुरू हो गई। दो मकान जमींदोज तक हो गए, अब मेट्रो सुधार के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति कर रहा है। आवाज की समस्या है, लोगों के घर मेट्रो के कार्य के चलते जर्जर हो गए हैं, लोगों की दीवारें डैमेज हो गई हैं, छत की मकाने ढह गई हैं और दो मकान मोतिया जमींदोज हो चुके हैं। मेट्रो ने जब ये टनल यहाँ से निकाला था तो लोगों के घर घर जाके ये अपील की और आश्वासन दिया कि ये शासन का प्रोजेक्ट है, ये जो है हमारी सरकार का प्रोजेक्ट है, अगर हम आपके घर की बोरिंग काटेंगे तो हम आपको 3 घंटे सुबह और 3 घंटे पानी शाम को देंगे, उसके लिए हम 3 बड़े बोर करेंगे, 3 बड़े बोर की एनओसी इन्होंने लगा दी है। इसके मौके पर आके कह रहे हैं कि सीवर लाइन मानक के विपरीत है, सीवर के जो चैम्बर बने वो मानक के विपरीत है, लेकिन मेट्रो के पर पता नहीं किसका हाथ है, मेट्रो पता नहीं किस तरह का है कि तो। वहीं एसीपी कलेक्टरगंज मोहसिन खान ने आश्वासन देते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। आज पार्षद कौशिक वाजपेयी जी द्वारा मेट्रो द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसके संबंध में एक धरना प्रदर्शन था, जिसमें उन्होंने मुझ एसीपी को अपना ज्ञापन दिया, उस ज्ञापन को उचित माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचा दिया जाएगा और जो जो उनकी समस्याएं परेशानियां उच्च अधिकारी को अवगत कराकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अब सभी पहलुओं की जांच की जा रही है, जिस प्रकार से प्राथमिक प्राप्त होगा उसके अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. And this is absolutely free.